बारे में कुछ फैक्ट्स बहुत कम लोग जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर जो राजा या बादशाह गुजरे वो कौन कौन से राजा या बादशाह गुजरे। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा जो मुगल साम्राज्य है इसकी जो शुरुआत की थी वो बाबर ने की थी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें मुगल इम्पीरियड जो था वो बाबर था, यानी सबसे पहला मुगल सम्राट मुगल सम्राट जो था वो बाबर था। बाबर जो है वो 1526 से लेकर 1530 तक शासन करने वाला व्यक्ति था, जिनका असली नाम था जहीर उद्दीन। ठीक है, जो शॉर्ट में जहीर भी कहते थे बाबर, उनके बेटे थे जिनका नाम था हुमायूं। तो इनके बाद जो करीब उमारी का उमायूं का जो असली नाम था वो नासिर था। ठीक है, उन्होंने जो हुकूमत करी वो 1530 से लेकर 1540 तक करी और 1555 से लेकर 1556 तक करी। यानी कहें तो 1540 में हुमायूं हार गए थे युद्ध में और उसके बाद चले गए थे। उसके बाद वो वापस लौटे थे 1555 में और उन्होंने युद्ध जीता और 1556 तक उन्होंने राज किया। उसके बाद उनका बेटा अकबर जो है वो गद्दी पर बैठा। तो अकबर जिस टाइम गद्दी पर बैठा था उसकी उम्र बहुत कम थी। अकबर का असली नाम जलालुद्दीन है। तो अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक यानी लगभग 50 साल तक राज किया था। ठीक है, उनके बात करें इसके बाद बात करें हम उनके बेटे सलीम की, जिनको जहांगीर के नाम से तो नहीं जानती है। तो इन्होंने जो राजगद्दी संभाली वो 1605 से लेकर 1627 तक राजगद्दी इन्होंने संभाली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसकी शहरयार की। तो शहरयार ने जो गद्दी संभाली थी वो 1627 से लेकर 1628 तक संभाली थी। इसके बाद बात करें हम शाहजहां खुर्रम की, तो ये वो शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल और लाल किला जामा मस्जिद बनाई या बनवाई। तो 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल लगभग इन्होंने शासन किया। इसके बाद जो आए वो इनके बेटे आए औरंगजेब, जिनको आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, तो इनका असली नाम आलमगीर था। तो इन्होंने जो शासन किया वो 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद जो आए थे उनका नाम था मोहम्मद आजम शाह। इन्होंने जो क्या कहते हैं ये जो आए थे इन्होंने जो शासन किया था वो 1707 से लेकर 1707 तक किया था, लगभग एक साल का शासन किया था। इसके बाद आए बहादुर शाह प्रथम। ये जो बहादुर शाह प्रथम है ये वो बहादुर शाह नहीं है जो अंग्रेजों के जिन्होंने लोहा लिया था अंग्रेजों से, नहीं, ये दूसरे, ये पहले बहादुर शाह है। वो बहादुर शाह अलग थे, ये बहादुर शाह अलग है। इन्हीं मुगल साम्राज्य में आने वाली पीढ़ियों वाले वो आखिरी बहादुर शाह थे। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो ये जो बहादुर शाह है इन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक जो है वो शासन किया। इसके बाद आए शाहदार शाह, इन्होंने जो 1712 से 1713 तक शासन किया। इसके बाद आए फर्रुख शियार, जिन्होंने 1713 से लेकर 1719 तक शासन किया। इसके बाद आए रफी उद दरजार, इन्होंने जो है 1719 से 1719 तक ही शासन किया। इसके बाद आए शाहजहां द्वितीय, ये अलग शाहजहां हैं, ये वो शाहजहां नहीं है इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां खुर्रम है। ठीक है, जो 1628 से लेकर 1658 तक रहे थे जिन्होंने शासन किया था। ये उन्हीं की पीढ़ी में आने वाले संतानें हैं जिनका नाम जो है बुजुर्गों के नाम पे या जिनका नाम जो है अपने खानदान के पहले के शहनशाह रहे उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1719 से लेकर 1719 तक शासन किया। इनके बाद है मोहम्मद शाह, इन्होंने भी 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद आए अहमद शाह बहादुर, इन्होंने 1748 से लेकर 1754 तक शासन किया। इनके बाद आए आलमगीर द्वितीय, ये देखो ये आलमगीर दूसरे आलमगीर है जिनका नाम औरंगजेब के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये जो है इनके 1754 से लेकर 1759 तक शासन हुआ या इनका शासन किया। उसके बाद आए शाहजहां तृतीय, इन्होंने जो है शासन किया वो 1759 से लेकर 1760 तक शासन किया। इसके बाद बात करते हैं हम शाह आलम द्वितीय की, इन्होंने जो शासन किया वो 1760 से लेकर 1806 तक शासन किया। इसके बाद अगर हम बात करें वो जहाँ शाह चतुर्थ, इन्होंने जो शासन किया 1788 से शासन करना शुरू किया था। ठीक है, ये जो शाहजहां ये अलग हैं, आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां जो थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था वो शाहजहां खुर्रम थे। उसके बाद कई सारी पीढ़ियों में शाहजहां हुए जिसमें शाहजहां प्रथम द्वितीय तृतीय हुए। इसी तरह से जो औरंगजेब आलमगीर थे ये अलग थे और आलमगीर द्वितीय ये अलग थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ियाँ थी उनके नाम जो है पहले के राजा मतलब पहले उनके परिवार के जो बड़े बड़े राजा थे उनके नाम पर रखा गया था, बस उनके नाम पे आगे द्वितीय या चतुर्थ जोड़ दिया गया था। इसी तरह से देखिए अकबर द्वितीय थे, तो ये वो अकबर नहीं है, वो अकबर बहुत पहले आए थे, वो 1556 से
जब 1605 में आए थे, ये अलग अकबर है। इनका इनका जो शासन चला वो 1806 से लेकर 1837 तक चला, इनका काफी लंबा शासन चला। इसके बाद आए बहादुर शाह। ये वो बहादुर शाह हैं जिनकी हम बात करें जिन्होंने अंग्रेजों से लोबा लिया था, ठीक है, यही वो बहादुर शाह है। इनका जो शासन हुआ था 1837 से शुरू हुआ था, 1857 में खत्म हुआ था। आपने सुना होगा 1857 में से जो है हमारे देश के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो है, पानीपत का एक युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, दिल्ली के सल्तनत के जो राजा थे लोदी वंश के सबसे आखिरी वंश है जिनका नाम था सुल्तान इब्राहिम लोदी, इनको हरा दिया गया, हरा दिया। और बाबर ने जो है एकदम मुगल वंश की स्थापना। इसके बाद बात करते हैं बाबर ने जो है चार लड़ाइयां लड़ी, जिसके अंदर बाबर ने जो है जीत हासिल की। तो पहली लड़ाई थी पानीपत की जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई, लड़ी और बाबर जीत गया। इसके बाद खंडवा में युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में हुआ, राणा सांगा के साथ, वो भी उसमें भी बाबर की जीत हुई। उसके बाद
चंदेरी में युद्ध हुआ 29 मार्च 1528 में, मैथिली राय और बाबर के, इसमें भी बाबर की जीत हुई। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 में, अफगानों के और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर की जीत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 1526 ईस्वी में पानीपत के अंदर दिल्ली के जो सल्तनत के जो आखिरी वंशज थे लोधी वंश के, जिनका नाम था सुल्तान इब्राहिम लोधी, उनको हरा दिया गया और उसकी स्थापना की बाबर ने। इसके बाद हम बात करते हैं पानीपत के युद्ध से जो लूटा गया था धन, उसको बाबर ने अपने सैनिकों के बीच और अपने नौकरों और सगे संबंधियों के बीच मार दिया। और इसके बाद अपने बेटे हुमायूं को कोहिनूर का हीरा दिया। ये जो हीरा है वो राणा विक्रमजीत से छीना गया था। ऐसे वो राजा थे ग्वालियर के जिनका नाम था राजा विक्रमजीत, इनसे छीना गया था ये हीरा। इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये माना जाता है कि ये पूरे संसार के आधे दिन का खर्च जो होगा वो उठाने लायक इस एक हीरे की कीमत है, जो इस टाइम जो है विक्टोरिया रानी इंग्लैंड के विक्टोरिया के मुकुट में लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की जिस टाइम मृत्यु हुई थी वो सिर्फ 48 साल के थे। बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। ओके बेटा, ये था बाबर के बारे में अमेजिंग फैक्ट जो मैंने आज आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगर नई वीडियो लेके आता हूँ उसके सेकंड पार्ट की, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपने इसको लाइक किया तो मैं इसकी सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं जो अगर हम बात करें मुगल वंश के दूसरे वंशज थे, उनकी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारी